हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज के सेशन में इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आपके आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की 2018 का जो 18 और 19 अगस्त को एग्जाम हुआ है उसके कुछ नोट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके फैक्टर्स बड़े छोटे छोटे फैक्टर्स थे, लेकिन कुछ बच्चों की चैनल पर डिमांड आ रही थी कि कुछ जो बड़े जिनमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं अगर कोई बाई चांस वैसा आ जाए तो हम कैसे करें। तो इस सेशन में मैं कुछ क्वेश्चंस बड़े फैक्टर्स के भी लेके आया हूँ, लेकिन इसके लिए ज्यादा पैनिक मत होना। मुझे आने की संभावना इन क्वेश्चंस की कम है, लेकिन बच्चों की डिमांड थी इसलिए लेके आया हूँ। कुछ इसमें सबसे पहले अपने दो तीन बेसिक चीजें देख लें। जो भी इक्वेशन आपकी दो इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इनमें ए बी सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है और ये प्लस माइनस में से निशान कोई हो सकते हैं। दूसरा आपको एक एक्स की फॉर्म में होती है और दूसरी वाई की फॉर्म में होती है। तो जब भी आपके इन इक्वेशंस के ये जो साइंस हैं, ये थोड़ा सा एक आपको वैसे तो ध्यान होगा कि भाई जब साइन यहां साइन प्लस माइनस या माइनस प्लस जिस भी सीक्वेंस का साइन होगा तो वैल्यूज के साइन कैसे होंगे। तो अगर मैं यहां लिखूं साइन ऑफ इक्वेशन और ये हो गया साइन ऑफ वैल्यू, जो भी एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, अगर यहां इक्वेशन में पहला निशान माइनस है और दूसरा प्लस है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, पहला माइनस दूसरा प्लस है, तो ये दोनों पॉजिटिव आएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव आएंगे, और अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, और उसमें बड़ी पॉजिटिव आएगी छोटी नेगेटिव आएगी। इसको याद रखने के लिए तीनों निशान एक साथ नेगेटिव नहीं होंगे और बड़ा मैं हमेशा पहले लिखूंगा, राइट। और जब इसका उलट होगा फर्स्ट का, जब पहला प्लस और दूसरा माइनस, तब भी एक माइनस और एक प्लस, तो उसमें छोटा बड़ा माइनस और छोटा प्लस। और जब भी ये ऊपर वाली जो दो जो पोजिशन होंगी जब साइंस में इनके, तो जो बीच वाला जो यहां बी की वैल्यू आप ए और सी को गुणा करते हो और उनको फैक्टराइज करके ऐसे कोई दो फैक्टर निकालते हो जिनका या तो एड बी होगा या उनका डिफरेंस होगा, तो जब ये आपके इक्वेशन के जो साइंस हैं वो अगर इन दो कंडीशंस वाले होंगे तो ये बी है ये जुड़ के आएगा, सम होगा, और ये अगर ये होगा तो डिफरेंस होगा उनका, वो घट के आएगा। ये जुड़ के आएगा सम, या इसको ऐड कह सकते हो आप, ये जुड़ के आएगा और इसमें घट के आएगा। जुड़ के आएगा मतलब इसके दोनों ही फैक्टर बी से छोटे होंगे, और घट के आएगा इसका मतलब दोनों भी बड़े हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक जरूर बड़ा होगा। ये आपको फैक्टराइज करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो ये तो बेसिक चीज थी, अगर आप को ध्यान नहीं हो तो एक बार इसको रिमोबलाइज करना। चलो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। एक इसमें जरूर ध्यान रखिए, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 8, x इज इक्वल टू प्लस 8 एंड माइनस 8। लेकिन अगर आपको ये दे दिया x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x इज इक्वल टू अंडर रूट 64, तो x की वैल्यू सिर्फ प्लस 8 आएगी। इसमें बिना कोई तर्क किए ये जरूर ध्यान रख लें। नेक्स्ट, तो ये तो फर्स्ट तो आपका निकल गया, x की वैल्यू प्लस की 8 और माइनस की 8 निकल गई। y सेकंड आप करेंगे तो ये क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 34y प्लस 289 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करें, पहला निशान माइनस है दूसरा प्लस है, तो y की दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। सबसे पहले ये लिखो आप कि y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। अब इसको फैक्टराइज करना है 289 को, अब 17 गुना 17 289 होता है, अब 17 17 दोनों ही प्राइम फैक्टर से आगे होगा नहीं, और जुड़ के 34 आना चाहिए, तो 17 17 34 आ रहा है, तो y की वैल्यू 17 और 17। अब आप इसको जब कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है कि 8 छोटा है दोनों से ही, तो x स्मॉलर, और माइनस में तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, माइनस की कोई भी वैल्यू जीरो से भी छोटी होगी तो पॉजिटिव वैल्यू से तो छोटी होगी, तो x स्मॉलर देन y, b को टिक करें आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 195, तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये निकालना है कि वैल्यू क्या आएंगी, तो x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, राइट। और अगर मैं यहां y का भी देखूं, y स्क्वायर माइनस 35y प्लस 306 इज इक्वल टू 0,
तो y की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। ये मैंने इसलिए निकाला कि कई बार ऐसी इक्वेशन दे देते हैं कि यहां दोनों वैल्यू पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो आपको इक्वेशन सोल्व नहीं करनी, डायरेक्टली आप लिख देंगे कि जो दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव छोटी होंगी तो पॉजिटिव को बड़ा कर देंगे। अगर ये पॉजिटिव होती और ये दोनों ही निशान वाई स्क्वायर प्लस 35y प्लस 306 होता तो अपन सोल्व नहीं करते और कर देते एक्स इज ग्रेटर देन वाई। या अगर ऐसी कोई पोजिशन बन रही हो कि इसमें एक प्लस आ रही है एक माइनस आ रही है, इसमें भी एक प्लस और एक माइनस आ रही है, तब भी आप इक्वेशन सोल्व नहीं करेंगे और इस पे ऑप्शन ई जो है आपका रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश पे टिक कर देंगे, क्योंकि वो एक बार बड़ी होगी और एक बार छोटी होगी। तो जब ये दोनों डिफरेंट निशान दोनों में आ रहे हो, यहां एक वैल्यू प्लस एक माइनस, इसमें एक प्लस माइनस प्ले बड़ी छोटी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इक्वेशन सोल्व नहीं करेंगे, कांट बी एस्टेब्लिश पे करेंगे। और जब यहां दोनों पॉजिटिव यहां दोनों नेगेटिव या यहां दोनों पॉजिटिव यहां दोनों नेगेटिव आ रही हो, तो जो पॉजिटिव है उसको बड़ा मान के कि वो बड़े वाला जो भी एक्स की दोनों पॉजिटिव एक्स इज ग्रेटर देन वाई और वाई की दोनों पॉजिटिव है तो वाई इज ग्रेटर देन या एक्स इज स्मॉलर देन वाई करके टिक कर देंगे, इक्वेशन सोल्व नहीं करेंगे। ये बड़ी काम की चीज है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। अब चलो फिर अब आपको क्या करना है, 195 को फैक्टराइज करना है जिसका 28 जुड़ के 28 हो जाए, तो 195 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा भाई। वैसे तो अगर आपका थोड़ा सा फास्ट है तो 15 और 13 28 हो रहे हैं और 15 और 13 को गुणा करोगे तो भी 195 हो रहे हैं, तो फैक्टर तो आपके वैल्यू तो आपकी एक्स की 15 आ गई, रेखा आ गई 13। लेकिन अगर आपके वो पकड़ में नहीं आता है तो इसको 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 39, और 39 को 3 से करूंगा तो 13, और ये क्या आ गई आपकी 5 थी 15 और ये 13, 15 13 28, तो ये वैल्यू आपकी 15 और 13 निकल गई। दूसरी मैं अगर देखूं ये है 306, तो 306 और 35 जुड़ के आना है, यहां भी माइनस प्लस है जुड़ के आना है, तो अगर 2 से करोगे तो 153 और 153 आपको पता है 51 और 51 क्या हो जाएगा 3 × 17, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 3 × 3 = 18, 18 और 17 भाई 17 को तो आप किसी से गुणा कर ही नहीं सकते क्योंकि 35 से आपकी दोनों वैल्यू छोटी, तो 35 से दोनों तो 17 तो अकेला ही रहेगा। मतलब यहां फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए इस चीज का जरूर ध्यान रखें भाई, ऊपर भी आप देखोगे भी आपकी जो 35 होना है वो भी होना है जुड़ के, सॉरी 28 होना है और वो भी होना है जुड़ के पहले वाले में भी, तो जब 28 जुड़ के होना है तो 13 को तो किसी से आप गुणा कर ही नहीं सकते भाई, 13 × 3 = 39 है, 13 × 5 = 65 है, तो 13 अलग हो गया तो ये बचा हुआ ही गुणा होगा। मतलब मैंने जो आपको पहले बताई थी कि दोनों जब कब तो ये ऐड होके आते हैं और कब ये घट के आते हैं, तो जब ये ऐड होके आ रहे हैं तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहेंगे। यहां आपको पता है 17 है, 17 को आप किसी से भी गुणा करोगे, सिर्फ आप किससे कर सकते हो 34 2 से कर सकते हो, 17 × 34 = 3 × 9 ये तो हो नहीं रहा, तो और तो किसी से आपको ट्राई नहीं करना, तो 3 × 3 = 18, 17 और 18 तो एक वैल्यू आ गई आपकी 17, एक आ गई 18। अब आप इसको देखते ही आपको लग रहा है आपको कहीं भी करने की जरूरत नहीं है भाई, 15 भी छोटा है 13 भी छोटा है, तो x इज स्मॉलर देन y, तो x इज स्मॉलर देन y को ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 4x² + 8x + 3 = 0, 4y 29y + 45। अब 4x² इसको सबसे यहां मैं लिख लेता हूं, वहां आप लिखेंगे नहीं कुछ भी, तो इसमें दोनों पॉजिटिव है तो x की दोनों ही वैल्यू आएंगी नेगेटिव, और ये क्या है 4y² - 29y + 45 = 0, और y की दो ये माइनस है ये प्लस है तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब आपको यहां देखते ही है कि y की दोनों पॉजिटिव और ये x की दोनों नेगेटिव है, तो x हमेशा ही छोटा होगा और आप बिना सोल्व किए इसको टिक करेंगे, इसमें सोल्व करने की बिल्कुल भी आप हिमाकत नहीं करेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चन जो भी करवा रहा हूं ये किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन, जो बड़े फैक्टर वाले हैं वो एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा में आए थे। अब ये देखिए इसमें क्या है, y² - x² = 112। अब इसको क्या करें, अगर ऐसा कभी भी आए तो इसको सिंप्लीफाई करो, y - x और y + x = 112, राइट। अब y - x आपको दे दिया 8, तो y - x की वैल्यू पुट अप करो तो y + x = कितना आ गया 112/8, 14 × 8 = 112, तो 14। तो ये आपकी दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x + y
या वाई प्लस एक्स मान लो यही है, वाई प्लस एक्स इजिकल टू 14 और वाई माइनस एक्स इजिकल टू 8। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 2y इजिकल टू 22 और y इजिकल टू 11। अगर y की 11 आएगी तो x की आ गई 3, 11 और 3 तो x इज स्मॉलर देन y, b को टिक करो और आगे बढ़ो। तो इस तरह की इक्वेशन a स्क्वायर में यूज किया, ऐसा अभी एक अपने 18 या 19 की किसी एक्सेप्ट में ऐसा आया भी है, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में वैल्यू डिफरेंट थी। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 39x प्लस 324 इजिकल टू, तो इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 39x प्लस 324 इजिकल टू 0। अब एक्स ये पहला निशान प्लस है, दूसरा भी प्लस है, तो एक्स की दोनों ही वैल्यू माइनस आएंगे, राइट। और इसका अगर मैं देखूं 6y स्क्वायर माइनस y माइनस 5 इजिकल टू 0, तो y की क्या आएगी, दोनों माइनस है तो बड़ी वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव और छोटी वैल्यू आएगी नेगेटिव, राइट। अब आप इसको देखें, 324 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 324 क्या होगा, 18 गुना 18 324 होता है, तो 18 गुना 18 तो 18 गुना 18 को अगर मैं आगे करूं तो क्या कर सकता हूं, 2 गुना 9 तो 2 गुना 3 गुना 3 और ये हो गया 2 गुना 9 मान लियो, इसको कर लिया। अब अपना क्या है, जुड़ के 39 चाहिए, तो अगर मैं 9 × 3 = 27 करूं और 3 × 6 = 12 तो 27 × 12 = 39 हो गया, आपको फैक्टर मिल गए, तो x की वैल्यू 27 और 12 तो 27 और 12 आ गई। अब इसको करोगे तो आप इसमें क्या है, 6 और 5 6 × 5 है 30, ऐसे 30 के फैक्टर करो जो घट के 1 आए, तो डायरेक्ट आप देख रहे हो 6 में से अगर 5 घटाते हो तो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो डायरेक्ट यही फैक्टर हो गए, 6 हो गया और 5 हो गया। भाई यहां ये दोनों निशान माइनस के हैं, तो जो भी आप फैक्टर करोगे वो घट के 1 आना चाहिए, इसका मतलब 1 से तो दोनों फैक्टर भी बड़े हो सकते हैं लेकिन 1 जरूर होगा। और इस तरह के फैक्टर्स में सबसे पहले उनको सेल्फ को जरूर चेक करो कि खुद ही तो नहीं है कहीं 6 और 5 हो गए। तो बड़ी वैल्यू क्या आनी है, बड़ी वैल्यू आपकी आनी है पॉजिटिव, और जो इसका जो भी कोफिशियंट है आपका वाई स्क्वायर का उससे उसको डिवाइड करना है। अभी तक इसलिए नहीं किया क्योंकि सब में वैल्यू 1 और दूसरी छोटी वैल्यू है वो 5 आ गई, 6 तो ये तो 6 और 6 ये तो हो गया 1 और 5/6 तो 0.8 के आसपास आप कुछ भी इसको 5/6 1 से कम हो गया, 6 × 48 -0.8 मान लो, कोई बात। अब आप इसको अगर करोगे कंपेयर तो पहले -27 लो, तो -27 तो आपको दिख रहा है कि दोनों से ही छोटा है, फिर -12 लो तो -12 भी इनसे छोटा है, तो हालांकि ये तो -27 और -12 तो आपको देखते ही ये लगेगा कि ये तो प्लस का 1 हो गया, तो ये तो बड़ा है ही है, यहां तो x छोटा है ही, बट ये माइनस का 0.8 है, ये 27 और 12 है, तो x स्मॉलर देन y b को आप टिक करेंगे, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं। हाँ, जब भी आप कंपेयर करें, अगर ये मुंह एक बार बड़ा हो रहा है एक बार छोटा हो रहा है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे और कांट बी एस्टेब्लिश पे टिक कर देंगे। और जो मैंने आपको वेरी बिगनिंग में बताया है उनका जरूर ध्यान रखेंगे, अगर आपके पहले 2 पे आपको ये दिख रहा है कि इसकी दोनों ही वैल्यू नेगेटिव आ रही और यहां अगर ये 2 ये पॉजिटिव होता 5 और ये लगता है कि हाँ यहां दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो अपने को बिल्कुल सोल्व नहीं करना, अपने कर देते कि y इज ग्रेटर देन x और x इज स्मॉलर देन y, जैसे जब यहां एक प्लस माइनस था और यहां भी अगर एक माइनस प्लस होता तो भी अपने इक्वेशन सोल्व नहीं करते और कांट व्यस्त रिश्ते टिक करते। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, सेशन अच्छा लगा हो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट रेगुलर करते रहिए, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज हमें लिखिए, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।